हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, तो ये कुछ स्पेशल टर्म है स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये रिटेंशन। रिटेंशन किसको कहते हैं? रिटेंशन का मतलब होता है रिटेन कर जाना, जो कहते हो रह जाना। तो ये रिटेंशन, इन्वर्सन, ये सब कुछ ऐसे टर्म्स है जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ जो रिएक्शन होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से इसको लेना देना है। तो रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन में सब लोग कह सकते हैं कि द रिएक्शन एट एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन विच द न्यू बॉन्ड is formed from the same side, from the same side to which the old bond, with the old bond is broken. Is called retention. इसको हम लोग retention कहते हैं। Retain कर जाना मतलब जिधर से bond टूटेगा उधर से ही नया bond बनेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यहाँ पर इसके साथ ए बी सी और यहाँ एक्स है, और ये एक्स टूट करके यहाँ पर ये एक्स टूटा, इस जगह पे वाई आया, और ये इस तरह से टूटा, और जिधर से एक्स टूटा वाई उधर से ही जाकर के बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ वाई और इधर ये एज इट इज रह गया, इसको कहेंगे रिटेंशन। जिधर से बॉन्ड टूटा उधर से ही नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसको रिटेंशन कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें जनरली ऐसा होता है कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज नहीं होता है जनरली रिटेंशन में, लेकिन हो सकता है कि एक्स हट करके वहाँ पर अगर वाई आता है, वाई का प्रायोरिटी सीआईपी जो रूल है सीआईपी प्रायोरिटी में, हो सकता है कि वो डिफरेंट प्रायोरिटी का हो जाए, वैसे कंडीशन में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए तो उसको रिटेंशन नहीं कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। रिटेंशन का एक्चुअल मीनिंग हुआ जिधर से बॉन्ड टूटा उधर से ही नया बॉन्ड बनेगा, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अबाउट जो ये चार बॉन्ड है, ये चारों में से कोई नहीं टूटे। तो रिटेंशन का दो केस, जिधर से पुराना बॉन्ड टूटा उधर से ही नया बॉन्ड बने, या फिर उस चारों में से कोई भी बॉन्ड ये ना टूटे। तो जैसे कि हम लोग एक तो यहाँ एग्जांपल एक ले लिए, इसको एग्जांपल वन, और एक दूसरा रिटेंशन का एग्जांपल ये भी है कि मान लीजिए
हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से कि यहाँ ए हो गया, इधर बी हो गया, यहाँ पर सी, और इधर हम लोग ले लिए सी एच टू ओ एच। अब एसोमेट्रिक कार्बन एटम ये है, इसके बाद ये चार बॉन्ड है, और इसका रिएक्शन हम लोग मान लीजिए किसी से भी अगर PCl5 से ही कराएंगे तो ये OH हटकर वहां पर क्या आ जाएगा, इस जगह पे ये ऐसे A रहा, यहाँ B, इधर C और यहाँ CH2 और OH के जगह Cl। तो देखिए ये चारों बॉन्ड जो है ये जैसा है वो वही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ टूटा कौन सा, ये C और OH के बीच, ये तो एसिमेट्रिक था ही नहीं, तो यहाँ भी रिटेंशन होगा। तो रिटेंशन का मतलब अगर जिधर से पुराना बॉन्ड टूटा उधर से ही नया बॉन्ड बने, पहला। दूसरा क्या, अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अबाउट जो चार बॉन्ड है उन चारों में से एक भी नहीं टूटे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहलाएगा रिटेंशन। तो ये रिटेंशन हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब दूसरा लेते हैं इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होगा, यहां पर क्या होता है इन्वर्सन में, ये जिधर से बॉन्ड टूटा नया बॉन्ड उसके पीछे से बनेगा, बैक साइड से बनेगा। तो इन्वर्सन क्या हुआ कि ये द रिएक्शन एट ए काइरल सेंटर और एट एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन विच द न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बैक साइड टू विच the old bond was broken is called inversion। इसको हम लोग इन्वर्सन कहते हैं कि जो नया बॉन्ड होगा वो अपोजिट साइड से बनेगा, तो इसमें सेम साइड से नहीं बनेगा, अपोजिट साइड से न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ऐसे ही लेते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर लेते हैं कि यहाँ ए है, इधर यहाँ पर बी है और इधर सी, और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, और अब यहाँ पर एक्स हट रहा है और वाई उस जगह पे आ रहा है लेकिन बैक साइड से, यहाँ पर ए और सी एज इट इज, अब बी चला गया इधर और इधर वाई आ गया, तो अपोजिट साइड से नया बॉन्ड बना, तो इसको हम लोग कहेंगे इन्वर्सन। तो इन्वर्सन जो होता है इसको, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वाल्डेन, सो इट इज also called
Walden inversion. It is also called Walden inversion. इन्वर्सन या इसी को हम लोग ये अम्ब्रेला इन्वर्सन भी कहते हैं. अम्ब्रेला इन्वर्सन, अम्ब्रेला जैसा होता है. इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे वो छाता है, जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं और काफ़ी तेज हवा है तो ऑपोजिट साइड से तेज हवा है तो छाता उलट जाता है. मतलब ऐसे यहाँ पर ए सी, यहाँ बी, इधर सी और इधर एक्स है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये बिल्कुल उलट जाएगा. इधर से एक्स हटेगा और वाई ये पीछे से जा कर के जुटेगा और ये बिल्कुल उलट जाता है. तो यहाँ सी, इधर ए बी, इधर सी और यहाँ पर वाई हो जाएगा. आगे से टूटा और पीछे से यहाँ पे y माइनस आकर के जुट गया. तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सन. तो ये प्रोसेस इन्वर्सन कहलाएगा. तो इन्वर्सन में कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली उल्टा हो जाता है, यूजुअली, लेकिन ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर इन्वर्सन का सीधा मीनिंग जिधर से बॉन्ड टूटा उसके ऑपोजिट साइड से उल्टा ये नया बॉन्ड बनना चाहिए. अगर सेम साइड से बने तो वो रिटेंशन. कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सकता है या कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है. हाँ, ऐसा भी नहीं समझना है, जैसे ये मान लीजिए रिटेंशन है तो इसका मतलब कि ये डेक्स्ट्रो होगा तो वो भी डेक्स्ट्रो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ये कंपाउंड ही चेंज हो गया इस वजह से, हो सकता है ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो हो जाए, या ये लीवो है वो डेक्स्ट्रो हो जाए, या डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो ही रहे, लीवो से लीवो रहे, या चेंज भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग को सिर्फ देखना है बॉन्ड, बॉन्ड किधर से टूट रहा है और किधर से बन रहा है. इसी से इन्वर्सन और रिटेंशन को हम लोग देखते हैं. ये इन्वर्सन हो गया और अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिमाइजेशन. देखिए इसमें है क्या कि ये हम लोग थोड़ा थोड़ा ये टर्म्स को भी पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी टर्म्स जो होगा ये आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो ये टर्म्स सब वहाँ रिपीटेडली यूज होगा तो उस जगह हम लोग इसको मतलब यूज करेंगे. तो पहले से पता रहना चाहिए तब ये चीज़ आगे पता चलेगा, आगे यूज करना आसान होगा हम लोगों के लिए. अब हम लोग लेते हैं तीसरा, ये रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि रेसिमाइजेशन मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ही हुआ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो तो उसको हम लोग रेसिमाइजेशन कहेंगे. रेसिमाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेंड एज प्रोडक्ट. इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन या
कोई एक प्योर इनैंसियोमर है, उस प्योर इनैंसियोमर को अगर हम लोग रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं वो भी कहलाएगा रेसिमाइजेशन। मतलब कोई एक प्योर इनैंसियोमर ले लिए और उसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कहलाएगा रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन का मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो एक रेसिमिक मिक्सचर एज प्रोडक्ट मिले या एक प्योर इनैंसियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करें तो वो कहलाएगा रेसिमाइजेशन। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम लोग कई लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इस तरह से कि इस जगह हम लोग ले लिए C2H5 और यहाँ एक कार्बन है और इधर CH3, ये H और यहाँ पर H। तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं और यहाँ से HCl हटे तो बताइए इस क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में या ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा तेजी से। तो हमने बताया था कि ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है, पहले हमने डिस्कस किया है इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन। तो इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होता है एकायरल रिएजन के साथ और कायरल रिएजन के साथ नॉन इक्विवेलेंट। तो Cl2 कैसा है, Cl2 ClCl या तो प्लेनोसिमेट्री है, तो दिस रिएजेंट इज एकायरल, सो बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर हियर इक्विवेलेंट, दे विल रिएक्ट एट द सेम रेट विद दिस क्लोरीन। तो इस वजह से यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ C2H5 और यहाँ CH3 और इधर H और Cl और फिर यहाँ पर दूसरा जो बनेगा यहाँ पे CH3 और C2H5 और इधर यहाँ पर हो जाएगा H इधर Cl। तो ये जो दो बना एक दूसरे का इनैंसियोमर है और इक्वल अमाउंट में बनेगा, दोनों का अमाउंट भी सेम होगा, इसलिए ये एक रेसिमिक मिक्सचर के रूप में यहाँ हम लोग को मिलेगा। ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया और रेसिमिक मिक्सचर बना इसलिए इस रिएक्शन को रेसिमाइजेशन कहेंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये ऐसे जनरली बुक्स में लिखा नहीं रहता लेकिन ये पॉइंट है बहुत यूजफुल कि दो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं देगा। दो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेगा तो आपको 99% केसेस में यही होगा कि वो प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव ही मिलेगा, एक्टिव नहीं होगा, बहुत कम ऐसा होगा। इसलिए इसको आप एक जनरल मानकर चल सकते हैं कि दो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं देगा। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, यहाँ भी इनएक्टिव है, तो दोनों रिएक्ट किया तो ये जो प्रोडक्ट बना, या एच हटाएंगे एक सीएल आएगा तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। और एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है तो हम लोग शुरू में कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम में पढ़े हैं, जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा और एक से अधिक है तो देखना है सेम या डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो एक्टिव ही होगा, अगर सेम है तो फिर देखना होगा प्लेनोसिमेट्री आ गया तो इनएक्टिव नहीं तो एक्टिव। तो यहाँ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो एक्टिव ही होना चाहिए, तो लेकिन दो इनएक्टिव मिलके कभी एक्टिव देगा नहीं, यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बावजूद भी प्रोडक्ट इनएक्टिव है, तभी संभव है जब रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो। यानी कि ये दो इनएक्टिव है और दोनों रिएक्टेंट इनएक्टिव है और तब प्रोडक्ट बन रहा है, अब प्रोडक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन एटम आ गया तो भी प्रोडक्ट इनएक्टिव ही होगा। तो अगर एक एसिमेट्रिक है
तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हुए भी इनएक्टिव कब होता है? या तो वो रेसिमिक मिक्सचर होगा या फिर वो मेजोमर होगा। तो मेजोमर के लिए तो कम से कम दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम चाहिए, या तो एक ही है, इसलिए यहाँ मेजोमर नहीं, ये सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिमाइजेशन। ठीक उसी तरह से एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH3 और C यहाँ H डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? HCN के साथ। HCN ये अंडर सुइटेबल कंडीशन, ये क्या सुइटेबल कंडीशन है हम लोग आगे मेकानिज्म में समझ पाएंगे। तो अंडर सुइटेबल कंडीशन, जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन में ये रिएक्शन किया, तो यहां होता है क्या? HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N, एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल लिनियर है, इसलिए यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही, इसीलिए हम लोग यहां पर ये तो एकायरल हो गया, ये एकायरल, और यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एकायरल हो जाएगा। तो जब ये एकायरल हो गया तो अब बताइए, अगर ये एकायरल है तो दो एकायरल मिल करके प्रोडक्ट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं, लेकिन यहाँ क्या बनता है? ये CH3CH, ये HCN जो टूटेगा, H जाकर के O के साथ जुड़ जाएगा OH, और इसके साथ यहाँ CN, तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। तो अब देखिए ये दोनों इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट को भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। अब इनएक्टिव होना चाहिए लेकिन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक है, तो एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हुए भी इनएक्टिव होगा। ये कब हो सकता है? जब ये रेसिमिक मिक्सचर हो, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50% जो होगा डी फॉर्म होगा, और प्लस ये 50% इसका एल फॉर्म होगा, दोनों बनेगा और ये एक रेसिमिक मिक्सचर यहाँ मिलेगा, ये रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से ऐसे हम लोग ले सकते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा रेसिमाइजेशन का। यहाँ पर दोनों एकदम इक्वल अमाउंट में बनेगा। और तीसरा हम लोग एक लेते हैं, इसमें रेसिमाइजेशन, अगर मान लीजिए ये दोनों जो हम लोग केस लिए, इसमें रिएक्टेंट के पास कहीं भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है तब रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। अगर रिएक्शन के पास एसिमेट्रिक, रिएक्टेंट के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता तब क्या करेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब सी, यहाँ पर ए, इधर बी और इधर सी और यहाँ पर एक्स, तो इस जगह अगर एक्स हटता है, एक्स माइनस, और यहाँ पर वाई माइनस आके जुटता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, इधर ए और इधर बी और इधर सी और यहाँ पर एक्स, एक्स के जगह एक वाई यहाँ पर आ गया वाई, और दूसरा यहाँ पर सी, इधर ए, यहाँ बी, इधर सी और इधर वाई। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, इनैंसियोमर है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ पर है, ये इनैंसियोमर, ये दोनों मिला तो यहाँ पर इससे ये जो बना ये रिटेंशन हुआ, ये जिधर से एक्स हटा उधर से वाई, और यहां से ये जो बना ऑपोजिट साइड से गया तो ये इन्वर्सन हो गया। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हुआ, रिटेन प्रोडक्ट हुआ, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ये दोनों बना है, ये मान लीजिए वन और ये टू,
तो ये दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर है, ये इनैंसियोमेरिक पेयर है। तो इनैंसियोमेरिक पेयर यहाँ पर ये बना, तो ये दोनों। लेकिन इस जगह क्या है, देखिए इसके पहले वाले एग्जांपल में जैसे यहाँ लिए तो इसमें दोनों जो बन रहा था, ये इधर के हटने से और इधर के हटने से जो दोनों बन रहा था वो दोनों के बनने का रेट सेम था। यहाँ भी जो दो बनेगा दोनों के बनने का रेट बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ भी रेसिमिक मिक्सचर बनने के लिए दोनों का बनने का रेट सेम होना चाहिए, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये कायरल है, और ये यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो अकायरल अगर है तो यहाँ पर रेट सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ इन दोनों का अमाउंट सेम भी हो सकता है, इन दोनों का अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो इन दोनों का अमाउंट अगर सेम होगा तब रेसिमिक मिक्सचर होगा, अगर अमाउंट सेम नहीं हुआ तब लेकिन वहां पर उसको हम लोग कहेंगे दैट इज द केस ऑफ इनैंसियोमेरिक एक्सेस, और तब फिर वहां पर हम लोग ऑप्टिकल प्यूरिटी का कंसेप्ट लेने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो इन दोनों केस को अलग अलग हम स्टडी यहाँ करते हैं, दोनों केस अलग अलग हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम लोग लेते हैं इस जगह केस वन, केस वन इसमें क्या हो जाएगा, इफ इफ यह क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिटेंशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इन्वर्सन। तो डिग्री ऑफ रिटेंशन और डिग्री ऑफ इन्वर्सन अगर दोनों सेम हो जाए तो यहां क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट will be a racemic mixture, a complete racemic mixture हो जाएगा product। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं that is a degree of racemization, degree of racemization। यहाँ क्या हो जाएगा, racemization ये 100% हो जाएगा। यहाँ पर जो डी फॉर्म जो होगा वो कितना होगा, 50%, और एल फॉर्म जो होगा वो भी हो जाएगा 50%। और ये ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड ये एंगल ऑफ रोटेशन ये जो होगा, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ये यहाँ पर ये जो होगा 0 degree, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है जब दोनों का ये परसेंटेज सेम हो, दोनों इक्वल अमाउंट में बने, तब हम लोग इस कंसेप्ट को लेंगे, तब वहां रेसिमाइजेशन 100% होगा, डी फॉर एल फॉर्म इक्वल होगा, एंगल ऑफ रोटेशन 0। अब हम लोग लेते हैं केस 2, नहीं यहाँ उसी इक्वेशन को दोबारा इस जगह नोट कर लिया है। तो यहाँ हम लोग दूसरा केस लेते हैं, केस टू में क्या कि जब दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं हो, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक्स परसेंट है और ये वाई परसेंट है, तो ये दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं हो, यानी रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों सेम नहीं हो। तो केस टू में इफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिटेंशन इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ
degree of inversion, that is, ये हम लोग लिख सकते हैं x is not equal to y, ऐसा अगर है तो हम लोग कह सकते हैं it is not the case of, it is not the case of 100% racemization, या 100% racemization नहीं होगा, यहाँ पर 100% racemization नहीं हो सकता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि कोई एक इनेंसियमर ज़्यादा बना तो उसको हम लोग कहते हैं केस ऑफ इनेंसियोमेरिक एक्सेस, इसको इनेंसियोमेरिक एक्सेस कहते हैं, ये कोई एक इनेंसियोमर यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, तो इस जगह पे रेसिमाइजेशन 100% नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में रेसिमाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे केस में यहाँ परसेंट ऑफ या डिग्री ऑफ रेसिमाइजेशन, डिग्री ऑफ रेसिमाइजेशन क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम लोग इसका 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन आगे बढ़ाए, और यहाँ पर हम लोगों को 40 मॉलिक्यूल ये बना, अगर ये हम लोग 100 लिए और ये 40 बना और ये 60 बना, तो यानी कि यहाँ इन्वर्सन ज़्यादा रिटेंशन कम, अगर ऐसा है तो ये दोनों में एक डेक्स्ट्रो होगा एक लिवो होगा, कोई भी एक मान लीजिए यही डेक्स्ट्रो है ये लिवो है, तो इसका 40 मॉलिक्यूल और उसका 60 मॉलिक्यूल, तो इसका एक मॉलिक्यूल उसके एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा, कंपेंसेट करेगा, तो इसका 40 मॉलिक्यूल इसके 40 को कंपेंसेट कर देगा, यानी 80 मॉलिक्यूल एक दूसरे के द्वारा कैंसिल होकर उसका नेट एंगल ऑफ रोटेशन 0 हो जाएगा, बाकी 20 मॉलिक्यूल बच जाएगा उसके वजह से एंगल आएगा, वो जो 20 ज़्यादा हुआ वही हुआ इनेंसियोमेरिक एक्सेस, और वो प्योर फॉर्म जैसा अपना कैरेक्टर दिखाएगा। तो रेसिमाइजेशन कैसे निकाले, अगर यहाँ इन दोनों में जो कम है उसका डबल कर देते हैं, क्योंकि ये जितना है ये उतना मॉलिक्यूल उसमें से उसको कॉम्पेंसेट कर रेसिमेज मिक्सचर बना दिया, लेकिन इसका डबल नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, इसलिए उसका 40 को कैंसिल करेगा, तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन क्या होगा, 2% ऑफ ये इन्वर्सन, इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कौन, विच इज लेस, जो दोनों में से कम है उसका हम लोग डबल कर देंगे, तो यहाँ इस तरह से हम लोग दोनों में से जो कम है उसका डबल कर देंगे, वो डिग्री ऑफ रेसिमाइजेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसे कंडीशन में ये मिक्सचर का, अब ये तो रेसिमिक मिक्सचर है नहीं, जब रेसिमिक मिक्सचर नहीं है तो एंगल ऑफ रोटेशन 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सच केसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सच केसेस यहाँ पहला ये एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन ये 0 नहीं होगा, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जर्व ये स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा उस मिक्सचर का, रोटेशन ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग ले सकते हैं जैसे इसका x परसेंट, तो पहला का एंगल कुछ होगा,
तो ऑब्जर्व रोटेशन ये इस तरह से अल्फा ये वन और उसका परसेंटेज प्लस ये जो दूसरे का स्पेसिफिक रोटेशन ये सेकेंड का हुआ और उसका परसेंटेज और नीचे क्या हो जाएगा यह दोनों मिलके 100 यानी x प्लस y जिसका वैल्यू 100 हो जाएगा। या तो ये लिख सकते हैं या एक और ये लिखा जा सकता है ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन इसका पहला का ये स्पेसिफिक रोटेशन इनटू उसका नंबर ऑफ मोल n1 प्लस ये हम लोग ले सकते हैं दूसरे का स्पेसिफिक रोटेशन इनटू उसका नंबर ऑफ मोल n2 और नीचे n1 प्लस n2 ऐसे भी लिख सकते हैं या इस जगह पे मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। इससे ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं और ये जो एंगल कितना होगा जीरो नहीं होगा तो कितना होगा ये निकालना होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। और अब इसमें क्वेश्चन रहता है ये ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालने का, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी हम लोग किस तरह से निकालेंगे पहले इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं फिर हम लोग ऑप्टिकल प्यूरिटी पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है प्लस मैंगनीज एसिड हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 15.8 डिग्री यानी ये डेक्सरोरोटेटरी है। व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, ये दो मिक्सचर दिया हुआ है तो इसका निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लेंगे सॉल्यूशन में पहला तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो होगा ये स्पेसिफिक ये ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ये कितना होना चाहिए तो यहाँ माइनस का तो देखिए अगर प्लस वाले का 15.8 है तो माइनस वाले का तो माइनस 15.8 होगा तो उसका एंगल होगा माइनस 15.8 और परसेंटेज कितना है परसेंटेज है 25। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर हम लोग इसका इसका तो एंगल हो जाएगा 15.8 इंटू 75 ये हो जाएगा और नीचे तो दोनों का सम 100 होगा। तो यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 25 को कॉमन ले लेते हैं तो ये इसको पहले लिख दें तो 3 इंटू 15.8 और माइनस इधर हो जाएगा 15.8 और बाय कितना हो जाएगा बाय 100 तो ये तो 4 टाइम्स हो गया और यहाँ पर अगर 15.3 इंटू 15.8 और यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक मिनट ये अगर हम लोग 25 इंटू 15.8 को ही कॉमन ले लें तो इधर तो हो जाएगा 3 माइनस 1 बाय 100 तो ये तो हो जाएगा ये 4 तो यहाँ पर 15.8 इंटू 2 बाय 4 तो 2 तो यहाँ इसका कितना होना चाहिए 27 और 0.9 तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा प्लस 7.9 डिग्री ये ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन पहला का। अब दूसरा का अगर निकालना है तो दूसरा का क्या हो जाएगा दूसरा में ये जो होगा 60% है तो एंगल ये ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन इसका कितना ये माइनस 15.8 और प्लस ये सॉरी इनटू इसका परसेंटेज है 60 और प्लस 15.8 ये इनटू 40 बाय क्या हो जाएगा 100 तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इस जगह अगर 15.8 इनटू 20 को
हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा कि माइनस थ्री और प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टू बाय हंड्रेड, तो यहाँ पर ट्वेंटी और ये हो जाएगा फाइव और यह माइनस वन, तो माइनस 15.8 बाय 5। तो इसको अगर हम लोग को निकालना है तो ये तो होना चाहिए 31.6 बाय 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3.16 डिग्री, ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ द R इनेंसियोमर एंड 30 ml ऑफ 0.1 m ऑफ द S इनेंसियोमर व्हिच फाउंड टू हैव एन ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ये दिया गया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ईच ऑफ द इनेंसियोमर्स। तो ऐसा मान लेते हैं इस तरह से, सपोज ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आर इनेंसियोमर, देखिए यहाँ ज्यादा किसका है, R का है 10 ml 0.1, S का है 30 ml 0.1, तो कंसंट्रेशन सेम, वॉल्यूम ज्यादा तो उसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा, S ज्यादा, और तब ये ऑब्जर्व्ड एंगल प्लस में है, यानी कि R का जो होगा वो माइनस में होगा, माइनस x डिग्री। तो उसी तरह स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S इनेंसियोमर क्या हो जाएगा, ये प्लस x डिग्री। तो अब यहाँ पर पहले ये लेते हैं मोल्स ऑफ, ये इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R इनेंसियोमर, R फॉर कितना हो जाएगा, R का नंबर ऑफ मोल, ऐसे ये फिजिकल में पढ़े होंगे वॉल्यूम और मोलरिटी, तो क्या होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाय 1000, तो मोलरिटी कितना 0.1, वॉल्यूम हो जाएगा 10 बाय 1000, क्या होना चाहिए 1 बाय 1000, यानी कि 0.001 मोल। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस फॉर्म कितना हो जाएगा, 0.3 × 10, ये 0.1 × 30, वॉल्यूम 30 बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.003। नाउ फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व रोटेशन दिया है 4.8 प्लस 4.8 डिग्री, तो पहला का आर फॉर्म का माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल कितना, R फॉर्म का 0.001 प्लस दूसरे का ये कितना हो जाएगा S का प्लस x इंटू 0.003 और दोनों का यहाँ सम 0.004 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए, ये प्लस 4.8 इज इक्वल टू यहाँ 3, ये जो होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग 0.001x को कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा माइनस 1 और उधर प्लस 3 बाय कितना 0.004, तो यहाँ कितना होना चाहिए, ये तो 4 टाइम्स ऐसे कटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2x by 4 यानी x by 2, तो x कितना हो जाएगा, x is equal to plus 4.8 into 2
दैट इज 9.6 डिग्री. तो इसीलिए ये ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन जो लेते हैं, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन आर फॉर्म, आर का कितना है, आर का माइनस एक्स, माइनस 9.6 डिग्री. और ये जो होगा ये स्पेसिफिक रोटेशन एस का, वो प्लस एक्स है, यानी प्लस 9.6 डिग्री. ये हो जाएगा इसका आंसर. अब हम लोग ऑप्टिकल प्यूरिटी का कंसेप्ट लेते हैं. ये ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होगा, जैसे ये जो रिएक्शन था इसमें रिटेंशन भी है और इन्वर्सन भी है. मान लेते हैं यहाँ पर x कम है और y ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना, जितना x है उतना ही मॉलिक्यूल y को तो वो कैंसिल कर देगा, उसके वजह से नेट एंगल जीरो, वो मिक्सचर के रूप में आ जाएगा. तो ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा. तो जो ज़्यादा है उसे कम को माइनस कर देंगे, उतना ही वहाँ प्योर बचेगा, जिसके वजह से नेट एंगल ऑफ रोटेशन आएगा. तो यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी अगर निकालना होगा तो परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा. तो यहाँ पर देखिए प्योरिटी यहाँ वाई माइनस एक्स बाय टोटल कितना है, एक्स प्लस वाई. ये हम लोग ऐसे निकालते हैं कि कितना प्योर है बाय टोटल कितना है इनटू 100. ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी. ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स के जगह आप यहाँ पर मास भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का मोलर मास सेम होगा, तो मास को भी ले सकते हैं. अगर x ज़्यादा होता y कम होता तो ये x माइनस y हो जाता, जो ज़्यादा है उसे कम को माइनस किया जाता है. ये ऑप्टिकल प्यूरिटी है. मोर ओवर इसके अलावा एक और कंसेप्ट हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए ये एंगल ऑफ रोटेशन जो ऑब्जर्व्ड होता है ये प्योर, मतलब जो रेसमिक मिक्सचर के वजह से ख़त्म हो गया वो छोड़ देते हैं, बाकी पोर्शन का क्या होना चाहिए. तो या तो फॉर्मूला यही होता है ना कि स्पेसिफिक रोटेशन प्योर का इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्योर फॉर्म, जितना बचा है वो वाई माइनस एक्स उसका कंसंट्रेशन इनटू ट्यूब की लंबाई एल. और ये जो ये थीटा जो होगा, थीटा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ये किसका, मिक्सचर का, इस पूरे मिक्सचर का कितना होगा. तो पूरे मिक्सचर का अगर लेंगे तो ये थीटा, ये मिक्सचर यहाँ हो गया, इनटू सी कंसंट्रेशन मिक्सचर का हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, ट्यूब की लंबाई. तो अब बताइए इस पूरे मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ये जितना प्योर बचा y माइनस एक्स उसी के बराबर होगा ना. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेयर ये थीटा ऑब्जर्व ये जो होगा प्योर इसका किसके बराबर होगा, ये थीटा ऑब्जर्व किसका हो जाएगा, ये मिक्सचर के बराबर हो जाए. तो अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये अल्फा ये प्योर इंटू क्या हो जाएगा सी ये प्योर और इंटू एल इज इक्वल टू ये अल्फा यानी स्पेसिफिक रोटेशन ये मिक्सचर का इंटू सी मिक्सचर इंटू एल. एल और एल सेम कट जाएगा. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी प्योर बाय सी मिक्सचर, ये क्या हो जाएगा, सी मिक्सचर इज इक्वल टू ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर बाय क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर ये दोनों का. तो सी प्योर, प्योर फॉर्म कौन हो गया, जो प्योर है वो तो वाई माइनस एक्स है और मिक्सचर तो एक्स प्लस वाई हो गया. ये जो
इसका नंबर ऑफ मोल तो इज इक्वल टू ये अल्फा, ये मिक्सचर, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ पीओ। अब यहाँ परसेंटेज अगर निकालना होगा तो परसेंट ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होना चाहिए, परसेंट ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हो जाएगा, तो प्योर बाय मिक्सचर इनटू 100, तो यानी वाई माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वाई, ये इनटू 100%, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ये मिक्सचर और बाय ये अल्फा, ये प्योर और इनटू क्या हो जाएगा 100%। ये इससे ऑप्टिकल प्योरिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या, कि ये दोनों का जो मिक्सचर था उस मिक्सचर में से ये इसका जो कम है वो अपने ही जितना मॉलिक्यूल को कैंसिल कर देगा, रेस्ट जो बचा वो प्योर बचा, वो इनैंसियोमेरिक एक्सेस हुआ, यानी परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी या परसेंटेज ऑफ इनैंसियोमेरिक एक्सेस एक ही बात हुआ। तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो ज़्यादा है उससे कम को माइनस कर दिए, तो परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर वाई माइनस एक्स बाय टोटल, तो एक्स प्लस वाई इंटू 100। अब अगर ये तो हुआ उसके कंसंट्रेशन या उसका अमाउंट या उसके नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड, अगर स्पेसिफिक रोटेशन से लेंगे तो जो ऑब्जर्व्ड ये प्योर फॉर्म का क्या हो जाएगा थीटा, प्योर इसका शुरू में ही पहला क्लास में हम बताए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के स्पेसिफिक रोटेशन इनटू सी इनटू एल, तो ये प्योर पार्ट यानी वाई माइनस एक्स पार्ट का जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसका ये फॉर्मूला, मिक्सचर का पूरे मिक्सचर का ये, और मिक्सचर का और वो प्योर पार्ट का यहाँ तो दोनों का बराबर होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, इक्वेट करके परसेंटेज ऑप्टिकल एक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ये हो जाएगा ऑप्टिकल प्योरिटी का परसेंटेज। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन है द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग टू इनैंसियोमर्स इज फाउंड टू बी प्लस 12 degrees एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ वन ऑफ द इनैंसियोमर इज प्लस 24 degrees। Both observed and specific rotations are measured under identical conditions. Now calculate percentage optical purity of the sample, percentage composition of the sample. देखिए इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो पहला ये percentage optical purity, percentage optical purity का क्या फॉर्मूला था, ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला था कि ये अल्फा ये स्पेसिफिक रोटेशन ये मिक्सचर का, फिर ये स्पेसिफिक रोटेशन ये प्योर इनैंसियोमर का, और इनटू 100। तो मिक्सचर का कितना है, मिक्सचर का तो ये ऑप्टिकल रोटेशन सैंपल कंटेनिंग टू इनैंसियोमर्स प्लस 12, तो ये प्लस 12 हो जाएगा, और प्योर का 24 प्लस 24 इंटू 100 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये इधर हो जाएगा 2, यानी कि 50% ऑप्टिकल प्योरिटी हो गया, यानी कि 50% कौन, यहाँ जो एक इनैंसियोमर का प्लस 24 है, यानी प्लस वाले का डेक्स्ट्रो का प्लस में, और मिक्सचर का भी प्लस 12 है, यानी मिक्सचर में डेक्स्ट्रो ज़्यादा है लीवो कम है, क्योंकि मिक्सचर का एंगल प्लस में आ रहा है, और यहाँ पर एक प्योर इनैंसियोमर का वो प्लस में, यानी कि डेक्स्ट्रो का अमाउंट ज़्यादा होगा लीवो का कम होगा। तो 50% प्योरिटी अगर है तो यहाँ पर परसेंट ये तो प्लस, ये 50% प्योरिटी ये तो डेक्स्ट्रो का होगा, और परसेंट ऑफ रेसिमाइजेशन कितना हो गया, जो ऑप्टिकल प्योरिटी के अलावा जो बचा हुआ रेसिमाइजेशन, तो रेसिमाइजेशन कितना हो जाएगा, ये 50%, तो ये 50% रेसिमाइजेशन हुआ, तो उसमें प्लस फॉर्म कितना होगा, प्लस फॉर्म 25%,
और माइनस फॉर्म कितना हो जाएगा, माइनस फॉर्म भी ये 25% हो गया। तो अब बताइए देयरफॉर ये टोटल परसेंट ऑफ प्लस फॉर्म, प्लस फॉर्म कितना हो जाएगा, ये 25 इधर और ये जो प्यूरिटी था वो 50%, तो 25 प्लस 50 कितना हो जाएगा 75%। उसी तरह से टोटल परसेंट ऑफ माइनस फॉर्म ये तो 25% ही रहेगा, तो ये कंपोजिशन हो गया 75% प्लस फॉर्म, ये 25% माइनस फॉर्म। एक बार फिर समझ लीजिए इसको ऐसे कि ऑप्टिकल प्यूरिटी देखिए प्योर डेक्स्ट्रो उसका प्लस 24, मिक्सचर का प्लस 12, यानी कि मिक्सचर में अगर लीवो का अमाउंट ज़्यादा होता तो मिक्सचर का एंगल माइनस में आता, मिक्सचर का प्लस में आना मतलब वहाँ पर डेक्स्ट्रो ज़्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या हो जाएगा कि ये तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो मिक्सचर बाय प्योर इंटू 100, तो मिक्सचर का प्लस 12 और उसका दिया गया है 24, इसका रेशियो 50% आ गया। तो अगर प्यूरिटी 50% है तो रेसिमाइजेशन भी 50% हुआ, और उस 50% में प्लस फॉर्म 25 माइनस फॉर्म 24, और इधर जो 50% था वो प्लस फॉर्म ही था, तो टोटल प्लस फॉर्म 25 और 50 75 टोटल, माइनस फॉर्म कितना हो जाएगा 25%। एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज मिक्स्ड विद 2 ग्राम ऑफ माइनस 2 ब्यूटेनॉल, व्हाट विल बी द ऑप्टिकल प्यूरिटी एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर। देखिए पहले तो ऑप्टिकल प्यूरिटी अगर निकालना होगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी का परसेंटेज अगर निकालेंगे, ये परसेंट ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ बताए थे ज़्यादा अमाउंट में प्लस का है तो 6 माइनस 2, या नंबर ऑफ मोल की जगह मास ले सकते हैं ये बताए थे, क्योंकि मॉलिकुलर मास दोनों का सेम होगा, बाय दोनों का सम 6 प्लस 2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 बाय 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50%। ऑप्टिकल प्यूरिटी तो 50% हो गया। अब हमें स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, तो अगेन ये निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऑप्टिकल प्यूरिटी का अगर हम लोग परसेंटेज लेते हैं तो परसेंट ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू ये मिक्सचर बाय क्या हो जाएगा ये प्योर, प्योर का और इनटू 100 ये हो जाएगा। तो परसेंट ऑफ ऑप्टिकल ये कितना है 50% है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ 50 इज इक्वल टू ये मिक्सचर, हम लोग को ये निकालना है तो ये मिक्सचर का हो गया, और ये यहाँ पर ये मिक्सचर, और नीचे प्योर, प्योर फॉर्म प्योरिटी देखिए किसका ज़्यादा है, ये तो प्लस का ज़्यादा है तो नीचे एंगल प्लस वाले का लिखना होगा, तो प्लस ये तो माइनस टू ब्यूटेनॉल का माइनस 13.5 प्लस का ज़्यादा है, इसलिए प्योर में प्लस ज़्यादा होगा तो प्लस 13.5 इंटू कितना करना होगा 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा ये मिक्सचर का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 13.5 बाई कितना 100, तो यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.75 ये डिग्री और ये प्लस में हो जाएगा, ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर ये प्लस 6.75 डिग्री ये हो जाएगा। तो इस तरह से आज के पार्ट में रिटेंशन हुआ, इन्वर्सन हुआ, रेसिमाइजेशन हुआ, रेसिमाइजेशन में दो तरह के केस वो भी हम लोग पढ़ लिए, अब इसमें ऑप्टिकल प्यूरिटी भी हम लोग स्टडी कर लिए, और उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हो गया।
अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स।